उन्होंने कहा कि 140 करोड़ मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर पल देशवासियों के लिए समर्पित हूं मैं। देश का हर गरीब और युवा मेरा परिवार है। युवा बहन बेटी मेरा परिवार है। कल पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं होने की बात कही थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश के सपने के लिए जी रहे हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था। कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। तो 2024 को लेकर बीजेपी फुल एक्शन में आ चुकी है। कुछ देर पहले तेलंगाना में पीएम मोदी ने मन से देश को अपना परिवार बताया तो बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम से कैंपेन की शुरुआत कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट को अपडेट कर प्रोफाइल पर नाम के साथ मोदी का परिवार लिख दिया है। इसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस कैंपेन हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना अकाउंट अपडेट किया। सबने अपने नाम के साथ बायो में लिखा मोदी का परिवार। दरअसल लालू यादव ने मोदी परिवार को लेकर टिप्पणी की थी जिसके बाद पीएम मोदी पूरे देश को अपना परिवार बता रहे और उसी के बाद बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ कैंपेन की शुरुआत कर दी है। जैसे 2019 में मैं हूं चौकीदार का कैंपेन चलाया गया था वैसे ही इस बार मैं मोदी का परिवार कैंपेन शुरू किया गया है। यह माना जा रहा है कि लालू यादव का बयान विपक्ष पर उल्टा भारी पड़ने वाला है।
और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, 2019 में हमने सबने सुना था मैं भी चौकीदार, और अभी चल पड़ा है मोदी का परिवार। विपक्ष का तीर लग रहा है कि उल्टा विपक्ष को ही जाकर लग गया। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति करते हैं तो उनको एक एक उसकी चुनावी राजनीति की बारीकी का होता है और किस चीज को किस तरह से इस्तेमाल करना है उनको ये पूरी बात बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में जैसे कि आपने बताया 2019 में भी जब राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार चौकीदार चोर है का नारा दे रहे थे तो उन्होंने पूरे देश भर में बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री समेत उन्होंने एक कैंपेन चला दिया कि मैं भी चौकीदार। तो ऐसे करके तो पूरा आपने देखा होगा कि एक चुनाव का नैरेटिव ही बदल गया और पूरी जनता में उसका बड़ा मैसेज गया। इसी के तहत कल जब लालू यादव ने प्रधानमंत्री के परिवार के ऊपर सवाल उठाया तो आज प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया और कहा कि सिर्फ इससे मेरे आपका कोई निजी परिवार नहीं है, पूरा देश की जनता जो है या पूरा देश जो है वो मेरा पूरा परिवार मेरा देश है। तो ऐसे में बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर कैंपेन शुरू कर दिया है और पूरे आपने देखा होगा तमाम जो नेता है, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके बायो में मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है कि यानी जो कैंपेन अब से शुरू किया गया है और इसको पार्टी जो है वो निचले स्तर तक तेजी से बढ़ा रही है। तमाम जो नेता हों कार्यकर्ता हों वो अपने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें लगातार अपडेट कर रहे हैं कि यानी जिस तरह से 2019 में विपक्ष ने एक बड़ी गलती कर दी थी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करके, लग रहा है लालू प्रसाद यादव की जो टिप्पणी है वो भी एक बड़ी गलती विपक्ष के लिए खास तौर पर साबित हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना बहुत सारे चुनावों में बहुत सारे नेताओं को भारी पड़ा है। आपने देखा जब 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो लगातार कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो विपक्ष के नेताओं को उठाना पड़ा था, चाहे उसमें सलमान खुर्शीद की बात करें या फिर सोनिया गांधी के बयान की बात करें या अन्य नेताओं के बयान की बात करें। तो ऐसे ही जिस तरह से राहुल गांधी ने 2019 में चौकीदार चोर है का नारा दिया तो उसके जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार का एक नारा कैंपेन चलाया। उसी के तहत अब भी जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की तो अब बीजेपी और के तमाम जो नेता हैं वो लगातार इस कैंपेन को आ रहे हैं मैं भी मोदी का परिवार, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में आपको रोक रहा पवन। इसी बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल साइट एक्स पर अपना बायो अपडेट कर लिया है। उन्होंने भी लिखा है मोदी का परिवार। योगी आदित्यनाथ की प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं, उन्होंने भी अपडेट किया है अपना बायो मोदी का परिवार। तो बारी बारी से सारे नेताओं का एक्स अकाउंट हम आपको दिखा रहे हैं। भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ, ये उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है, यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों, यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है, अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब यह पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती, इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी यह बताना चाहता हूं, महोदय आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100-100 छेद, जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं
उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं, अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। तो मैं इनकी बात का उत्तर सैद्धांतिक भी देता हूं और राजनीतिक भी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महोदय अगर आपके शिक्षा मंत्री ने थोड़ी सी शिक्षा हिंदू धर्म से ली होती तो उसे समझ में आता हिंदू धर्म में सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता है, शिष्य का महत्व होता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने हनुमान जी के जो उनके भक्त थे और शिष्य, हजारों हजार मंदिर देखे होंगे, उनके पुत्र लवकुश के मंदिर देखे हैं कहीं? पुत्र का नहीं शिष्य का महत्व है। द्रोणाचार्य उनके बेटे अश्वत्थामा का स्थान नहीं ऊंचा है, अर्जुन का स्थान ऊंचा है जो उनका शिष्य था। भगवान राम ने अपनी सारी शक्ति हनुमान जी को दी है, द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र को नहीं दी शिष्य को दी है। और भारत की परंपरा क्या है, हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। ये आपके दिमाग में भरा हुआ है, इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञान देव पाणे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। मगर क्या करें, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है, अरे भाई सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है, उनके लिए याद है क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है, क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। परंतु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रति जो ये व्यक्तिगत अपमान किया है, जनता जनार्दन हम कहते हैं ना, जनता जनार्दन के भाव से शिशुपाल की तरह एक एक गाली गिन रही है। और निश्चित रूप से जैसे भगवान ने उचित समय पर उचित प्रत्युत्तर दिया था, तो ये इनके अहम मान्यता का जो शीश राजनीतिक शीश है इसका प्रत्युत्तर जनता जनार्दन देगी। और वो भाव आज देश के सब लोगों के मन में, जन जन के मन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के मन में, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में आक्रोश के साथ परंतु समाज के प्रति निष्ठा के साथ उभर कर सामने आया है। इसलिए स्वतः ही स्फूर्त ढंग से यानी सेल्फ इंस्पायर्ड होकर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर